आप देख रहे हैं अपना समाचार। होठों पे बस ओ तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जो रिलीज की खुशी, फिल्म की कामयाबी की खुशी आपके शब्दों में जरा बताइए। फिल्म हमारी अच्छी से रिलीज़ हुई है और काफ़ी शहरों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है फिल्म का, और काफ़ी पब्लिक द्वारा, क्रिटिक्स द्वारा ज़्यादा सराहा गया है पिक्चर को। और बाकी अभी चौथे हफ्ते में हमारी फिल्म एंटर कर गई है, कहीं ना कहीं पिक्चर हमारी अभी भी चल रही है। आप बतौर डायरेक्टर जी, जो दर्शकों की प्रतिक्रिया मिली जी, उसके बारे में दर्शकों ने पिक्चर को काफ़ी सराहा है, पिक्चर को काफ़ी पसंद किया गया है, और ज़्यादा छोटे शहरों में पिक्चर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। खास हो जाए छोटे शहरों, इसलिए कि जो हमारी पिक्चर थी वो एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स की पिक्चर थी ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज़ किया है, क्योंकि जो गरीब कबीलाई फिल्म बनी थी ना, तो उसके लिए हमारे गाँव छोटे सेंटर के लिए ही फिल्म ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए पब्लिक का रिस्पॉन्स वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा मिला। चरण साहब, आप ये मानते हैं कि फिल्म मल्टीप्लेक्स के लिए नहीं बनी थी? नहीं, फिल्म सभी सिनेमाओं के लिए बनती है, और मुझे लगता है कि हर जगह चलानी चाहिए। और मैंने जो इसका आधार जिस समय फिल्म का सोचा था, उस समय हमारा यही सोचना था कि हम मल्टीप्लेक्स के लिए बना रहे, तो सभी सिनेमा के लिए, हर ऑडियंस के लिए हमने मूवी बनाई थी। वैसे मिश्रा जी, आज आपके हीरो का जन्मदिन है भाई जी, शुभकामनाएं। जरा ये कैप्टन है उस जहाज का जी, मैं पहले नंबर तो इसको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। पहली पिक्चर में काफ़ी इसने अच्छा काम किया है, और इसने पिक्चर को बड़े अच्छे से, एक पहली बार जो इसने काम किया, इसको काफ़ी तारीफ मिली है, और आगे भी ईश्वर करे कि ये काफ़ी ऊपर जाए और अच्छा काम करे, और मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ है, आज भी है और हमेशा रहेगी। दिलीप सर, मैं शुभकामनाएं चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो इस पूरी टीम को, यानी मेरे साथ में ही क्रीना की रिलीज और क्रीना की जो आगे सक्सेस मिलेगी हम लोगों को, उसके लिए बधाइयाँ। और जाहिर सी बात है कि पहले जन्मदिन पे क्रीना रिलीज की सोच रहे थे जी, पिछली बार जब बर्थडे था, आज हमारा हीरो क्रीना को मतलब रिलीज करने के बाद में जो मिला है हमें, मैं समझता हूँ कि भविष्य में बस ये इसी तरीके से सक्सेस पाए। और सिर्फ एक ही क्रीना नहीं, ऐसी कई फिल्में बने जिनसे इनका नाम रोशन हो और मुझे संगीत देने का मौका मिला। अभी चौहान साहब ने दूसरी फिल्म अनाउंस की है आज। हाँ, की है जी। हाँ, कर दिए। मगर एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, चौहान साहब ने कर दी नहीं, करना चाहते हैं जी, आप ये पूछिए कि आप जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो आगे, नहीं तो सवाल तो यही है ना आपका। मगर मैं ये चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, फिल्म लाइन में जब मैंने यश जी के साथ में आईना की थी, ये दिल लगी की थी, दोनों पिक्चरें मेरी सुपरहिट रही, दिल वाले दुल्हनिया में उन्होंने जतिन ललित को लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोड्यूसर से ये उम्मीद करें कि उसी वजह से मैं आया हूँ। मेरा प्रोड्यूसर ने मुझे फर्स्ट टाइम ब्रेक दिया या मेरे साथ काम किया, वो मेरे लिए सही था। भविष्य में ऐसा नहीं, क्योंकि फिल्म लाइन एक आदमी से नहीं चलती है, वैसे टीम वर्क है। और आज तो फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर पांच होने लग गए, तो एक फिल्म में अगर पांच हो, तो अगर ये नई फिल्म इन्होंने शुरू की, तो पहले तो जन्मदिन की बधाइयों के साथ साथ इनके बेटे को इसको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रही बात साथ में काम करने की, तो संजोग होगा तो करेंगे, बाकी साथ में हम वैसे भी रहेंगे, भले मेरा म्यूजिक रहे या ना रहे, तो भी हम भाई भाई तो रहेंगे। वैसे मैंने बहुत बार आपको गाते हुए भी सुना है, गाना तो गाऊंगा, पहले हमारे हीरो से तो दो शब्द पूछ लो यार, मेरा तो काम ही है गाने के लिए, तो मैं आया हूँ यहाँ। हाँ सर, अब इनका क्लोज लीजिए आप। और ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही है पार आपके डायरेक्टर से, आपके क्या कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छा लगता है कि अब डायरेक्टर्स भी, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि डायरेक्टर जी नाराज ना हो जाए कि मेरे को एक्टिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नर्वस हो जाता था बहुत ज़्यादा, पर जब मैंने देखा कि उन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लग रही है, वो भी मेरी तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड भी फील होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, अब मैं मान लो मेरे दोस्तों के साथ कभी ऐसे ही बाहर निकलता हूँ, तो लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं, क्रीना के नाम से जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ए क्रीना, क्रीना आप ही क्रीना में? हाँ हाँ, जैसे बहुत प्राउड फील होता है कि फर्स्ट
फर्स्ट फिल्म में मेरे को इतना नाम यस बढ़िया। दिलीप सर के लिए दो शब्द हमारे आदर्श हैं, बड़े भाई हैं, सर हमारे आदर्श भी हैं और मेरे बड़े भाई के तरीके से हैं। और यहाँ कोई भी संदेह वाली बात कोई भी हमारे पत्रकार भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हमारा जिस तरीका से दूध और पानी का साथ है बेशक हमेशा लाइफ टाइम बना रहेगा। बात फिल्म की आती है तो हम सरकार जरूर सहयोग लेंगे उसमें, और भी सरकार जैसे कहना है कि आज की मूवियों में ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्टर रहे, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो फिल्म मैं दूसरी बनाना चाह रहा हूँ वो सुपरहिट हो और उसको दुनिया के हर कोने पर एक कामयाबी हासिल हो। इसके लिए मुझे हर तरीका से हर वो कार्य करना है जिसमें मुझे कामयाबी मिले, तो मैं दिलीप सर को भी रखूँगा, उसके साथ साथ और भी टीम रहेगी जो म्यूजिक डायरेक्शन आज के समय में अच्छा दे रहे हैं। दूसरी बात मैं एक आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि अभी मेरे ख्याल से हम चारों में सबसे सीनियर अगर मुझे ही मान सकते हैं, लेकिन अनुभव में भी मैं इनसे ज़्यादा हूँ, तो मैंने उतार चढ़ाव जिंदगी के बहुत देखे हैं, इंडस्ट्री के भी और मेरे जिंदगी में भी जो आए। तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि मेरा प्रोड्यूसर जिंदा है तो हम जिंदा हैं। हमें यह है कि प्रोड्यूसर को खड़ा करेंगे तो उसके पीछे हम भी लड़क सकते हैं या उसके सहयोग में उसकी छाया में बैठ सकते हैं। तो इन्होंने जो पहली पिक्चर में हिम्मत दिखाई, देखिए आज मैं बताऊं आपको ये बहुत मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने नए लोगों के साथ काम की, मगर पहली फिल्म है कि जो इतने कम समय में अरे मतलब मल्टीप्लेस में भी रिलीज़ हुई। ऐसा नहीं है कि जैसे श्यामल जी कह रहे हैं, नो डाउट कहानी की जो डिमांड होती है, तो कहानी में तो देखिए कई पिक्चरें मल्टीप्लेस में चलती है मगर सिंगल में नहीं चलती, मगर कई सिंगल में चलती है मल्टीप्लेस में नहीं चलती है। तो ये तो बात सही है क्योंकि हर एक की ऑडियंस होती है, मगर फिल्म फिल्म होती है, उसको चलना है। तो मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म के अंदर इन्होंने जो अपनी जद्दोजहद रखी और जो मेहनत करके आखिर तक, अक्सर होता है कि प्रोड्यूसर पिक्चर रिलीज़ नहीं कर पाता है, अमूमन मैंने तो बहुत देखा है, मेरे 30 साल के करियर में मैंने काफ़ी देखा है, मैंने इतनी सारी फिल्में की जिनमें से कुछ रिलीज़ हुई कुछ अभी भी डब्बे में, मगर इन्होंने वो हिम्मत रख के और उसको रिलीज़ करके पब्लिक तक पहुँचा है, ये इनके लिए बहुत ही सराहनीय बात है। और जैसे इन्होंने कहा कि नहीं मैं इनके साथ हमेशा रहूँगा, और अब वो ज़रूरी नहीं है कि अपने मुँह से खुद ही मूवी थी बन जाओ, उस पर मैं एक गाना सुना देता हूँ आप लोगों को। 29 जून का दिन है आता, मन फूला नहीं समाता, क्यों ना ये दिन रोज मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम जियो हजारों साल सभी देते यही दुआएं, पात हैप्पी बर्थडे टू यू, पात हैप्पी बर्थडे टू यू, पात हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक मेरा बहुत चहिता गाना जो मैं खास इनके लिए गा रहा हूँ, होठों पे बस वो तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह हो शाम, चौहान जी आई लव यू, यू लव मी चौहान जी, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। तालियां। मेरा चेहरे से कैसा लगा? नहीं जरा कैमरे में देख के बताइए। नहीं मैं आपको देखूं कैमरे में, बेटा मेरा साइड क्लोज जरा ज्यादा अच्छा है, बार बार यूं करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। देखिए सबसे प्यारी बात तो मुझे ये लगी कि आज जिस तादाद में बड़ी फिल्मों के अंदर मैं इतने लोगों को नहीं देखा, मैंने कई मुहूर्त और कई बर्थडे अटेंड किए, पर आज इतनी बरसात होने के बावजूद भी, इतना मौसम खराब होने के बावजूद आज सारे भाई लोग यहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबों का धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इतना प्यार से और दुलार से हमें खिंचाई कर रहे हैं, मतलब हमारी फोटो से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब हम आगे की रस्म शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आप देख रहे हैं अपना समाचार।